नवंबर महीने की शुरुआत करवा चौथ के त्योहार के साथ हो रही है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का अपना ही महत्व और मान्यताएं हैं। ये खास दिन पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को चांद का दीदार करने के बाद उसे अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेती हैं। सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं को एक बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है चांद अपना मुखड़ा कब दिखाएगा। चांद के निकलने का इंतजार बेसब्री से किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि आपके शहर में चांद कितने बजे दिखाई देगा। चांद निकलने के समय की चर्चा के बाद हम करवा चौथ से जुड़ी और भी कई बातें जानेंगे। दिल्ली में चांद रात 8:15 पर निकलेगा। मुंबई में रात 8:59 पे चांद निकलेगा। कोलकाता में रात 7:45 पर, चंडीगढ़ में रात 8:10 पर, पंजाब में रात 8:14 पर, राजस्थान में रात 8:26 पर, लुधियाना में रात 8:12 पर, देहरादून में रात 8:06 पर, शिमला में रात 8:07 पर, पटना में रात 7:51 पर, लखनऊ में रात 8:05 पर, कानपुर में रात 8:08 पर, प्रयागराज में रात 8:05 पर, इंदौर में रात 8:37 पर, भोपाल में रात 8:29 पर, अहमदाबाद में रात 8:50 पर, चेन्नई में रात 8:43 पर, बेंगलुरु में रात 8:54 पर चांद निकलेगा। आपको बता दें कि हर करवा चौथ पर ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कुमारी लड़कियां करवा चौथ का उपवास रख सकती हैं? ज्योतिष और शास्त्र बताते हैं कि करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के साथ साथ अविवाहित लड़कियां भी रख सकती हैं, जिनकी सगाई हो चुकी है। साथ ही अगर किसी लड़की का प्रेमी है तो वह भी ये व्रत रख सकती है, लेकिन सुहागनों से हटकर अविवाहित लड़कियों के लिए ये व्रत रखने की कुछ अलग विधि होती है। कुंवारी लड़कियों को उपवास रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कुंवारी लड़कियों को निर्जला व्रत रखने की कोई बाध्यता यानी ऐसा कुछ नहीं है कि वो निर्जला उपवास ही रखें। वो पानी पी सकती हैं और फलहार भी कर सकती हैं। इस व्रत में कुंवारी लड़कियों को केवल माता करवा की कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। व्रत को खोलने के लिए उन्हें चांद का इंतजार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां बिना छलनी के तारों को अर्घ देकर भी व्रत खोल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस करवा चौथ पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।